सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, आज डिस्कस करेंगे कि ओव्यूलेशन डे को आप कैसे इजीली पता कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ओव्यूलेशन डे कब होता है और आप बहुत ही आसान तरीके से अपना ओव्यूलेशन डे को जान सकते हो। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैनल, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, ओव्यूलेशन डे को कैसे जाना जाता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके लिए आपको सबसे पहले तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप लास्ट तक देखोगे ना, तो आप इजीली समझ जाओगे कि ओव्यूलेशन डे कब होता है, कैसे होता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बिना टेस्ट के भी आपको डॉक्टर बता देते हैं कि जो आपका ओव्यूलेशन डे है ये आपको 14th डे पर होगा, या फिर 15वें दिन होगा, या 16वें दिन होगा, या 12वें दिन होगा। ठीक है, तो कुछ मेथड होते हैं जिससे हम लोग आपको बता देते हैं कि ओव्यूलेशन डे इस दिन होना है। कुछ तरीके होते हैं टेस्ट इन्वेस्टिगेशन जिन्हें नॉर्मली बोला जाता है, और कुछ बॉडी आपको साइन और सिम्टम्स कुछ संकेत देती है, अगर आप उनको कैच कर लेते हो या फिर आप अपनी बॉडी को डेली मॉनिटर कर रहे हो ना, तो आप इजीली जान जाओगे कि ओव्यूलेशन डे को कैसे पता कर सकते हैं। और इसके पीछे की पूरी साइंस को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि डॉक्टर कैसे आपको ओव्यूलेशन डे को बताते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस ये होता है कि जो पेशेंट है उसका मंथली साइकिल क्या है, मतलब कि कितने दिन का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि आपका जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन का है। ठीक है, तो जो आपका पीरियड साइकिल का पहला दिन होता है ना, वो आपने काउंट करना है। यहाँ पर कई फीमेल ये गलती करती हैं कि जो उनका पीरियड का पहला दिन है वो ब्लीडिंग को बंद होने पर काउंट करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस दिन आपको ब्लीडिंग शुरू होगी वो दिन आपका पहला पीरियड का दिन होता है। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट ब्लीडिंग आपको शुरू होगी तो वो आपका एक साइकिल पूरा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो साइकिल है अगर आपको 30 दिन का हो रहा है, ठीक है, तो फिर उसमें आपने 14 दिन माइनस करने हैं। मतलब क्या है कि जो पहले ये जो टाइम होता है ना 16 दिन का, अगर किसी फीमेल का 30 दिन का पीरियड साइकिल है, ठीक है, उसमें से आप 14 दिन माइनस कर दें, तो ये जो 16 दिन आए हैं शुरू के, इसमें हार्मोन्स डेवलप होते हैं, उनका लेवल फॉल होता है या फिर बढ़ता है, तो हार्मोन्स फ्लैक्चुएट होते हैं, साथ ही ओवरी खुद को प्रिपेयर करती है, अंडा बनाती है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ना, ये हर फीमेल के बॉडी में वेरी करता है, अलग अलग डेज पर होता है। तो ये जो पहले 16 दिन हैं या फिर 14 दिन हैं, ये हर फीमेल की बॉडी के हिसाब से अलग अलग होती हैं, लेकिन एक बार ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो लास्ट के जो डेज बचते हैं ना, ठीक है, ये इक्वल होते हैं, मतलब कि 14 दिन ही होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी को ओव्यूलेशन हो जाता है तो एक फिक्स टाइम पीरियड पर पीरियड आता है, ओव्यूलेशन के बाद का जो टाइम पीरियड है। तो यहां पर मान लीजिए कि अगर किसी फीमेल का 30 दिन का पीरियड साइकिल है, तो आप उसमें से 14 माइनस कीजिए तो 16 को ओव्यूलेशन होगा। अगर 28 दिन का पीरियड साइकिल है तो फिर आप 14 माइनस कीजिए तो 14वें दिन उनको ओव्यूलेशन होगा। ऐसे ही अगर किसी को 26 दिन का पीरियड साइकिल है तो फिर 12वें दिन उनको ओव्यूलेशन होगा। तो आपने ऐसे ही 14 माइनस करना है। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया कि आप डॉक्टर के पास गए तो आपको डॉक्टर एकदम से बता देते हैं कि इस दिन आपको ओव्यूलेशन होना है, तो ये सबसे आसान तरीका है। उसके बाद अगर ये तरीका फेल हो जाता है तो हम लोग यूजली ओव्यूलेशन टेस्ट कार्ड के लिए आपको बोलते हैं कि आप घर पर टेस्ट कीजिए। ठीक है, एक और मेथड है फोलिकुलर स्टडी, जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और आपको डेली डॉक्टर के पास जाना होता है, वहाँ पर फिर आपका स्कैन किया जाता है, फिर आपको बताया जाता है कि इस दिन आपको ओव्यूलेशन होगा, और इस दिन के अराउंड अगर आप रिलेशन बनाते हो तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो, या फिर इस टाइम पर अगर आप अवॉइड करोगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। और ये मोस्टली तो देखिए तभी प्रोसेस होता है जब फीमेल कंसीव करवाने के लिए ट्राई करते हैं, तब फॉलिकुलर स्टडी होती है। ठीक है, तो
ये जो स्टडी है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती है, डॉक्टर के पास डेली विजिट करना होता है और ये थोड़ा मेंटली भी पेशेंट को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए फर्स्ट सजेशन तो यही दिया जाता है कि आप घर पर ओवल्यूशन टेस्ट कार्ड से टेस्ट कीजिए और इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो कि किस दिन ओवल्यूशन होना है। ठीक है, तो ये तो कुछ इन्वेस्टिगेशन थी। उसके बाद बात आती है आपकी, जो आप खुद मॉनिटर करोगे कि किस दिन ओवल्यूशन होना है। ठीक है, तो आपकी जो बॉडी है ना वो भी आपको ओवल्यूशन का बताती है कि भाई इस दिन आपको ओवल्यूशन होना है। तो आप अपनी बॉडी को मॉनिटर करेंगे तो आप धीरे धीरे आप इसमें जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे ना तो वैसे वैसे आपको पता लगने लग जाएगा कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है और किस दिन आपको ओवल्यूशन होना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ओवल्यूशन के कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हैं जिसके आधार पर आप जान सकते हो कि आपको ओवल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहला तो है सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, अब सर्वाइकल म्यूकस आप कैसे मॉनिटर करोगे, कैसे उसकी जांच करोगे? तो वजाइनली आपने फिंगर इंसर्ट करनी है। ठीक है, और जब ओवल्यूशन होगा तो इसका जो सर्वाइकल म्यूकस का जो फ्लूड होता है ना वो बिल्कुल एग वाइट की तरह होता है। सेम वैसा जैसा कच्चा अंडा अगर आपने कभी फोड़ा होगा तो जो उसका वाइट पोर्शन होता है सेम वैसा ही है। अब इसमें आप थ्रेड टेस्ट भी कर सकते हो। अब वो कैसे करना है, देखिए जब आप फिंगर इंसर्ट करोगे तो जो फ्लूड होगा उसको आप इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में रखिए और उस फिंगर को स्ट्रेच करें। अगर यहाँ पर थ्रेड आपको दिख रहा है, धागा जैसा आपको फ्लूड लग रहा है और वो टूटता नहीं है तो आपको ओवल्यूशन है। और ये जो पीरियड आपका एक फर्टाइल विंडो है, यहाँ पर आप अगर रिलेशन बनाते हो तो 100% आप मान के चलें कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, अगर सारा कुछ सही रहा तो। और अगर इस टाइम पीरियड पर अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड पर आप रिलेशन ना बनाएं और प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, और ये जो सर्वाइकल फ्लूड है ना गाइस, ये भी डे बाय डे चेंज होता है। मान लीजिए कि अगर आपका फर्स्ट डे है पीरियड का तो ब्लीडिंग ऑफकोर्स हो रही है, लेकिन जब ये ब्लीडिंग बंद हो जाएगी तो उसके बाद ये जो सर्वाइकल म्यूकस है ये स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। फिर उसके बाद ये क्रीमी होगा, फिर वाटरी होगा और फिर उसके बाद ये एग वाइट हो जाता है। फिर एग वाइट के बाद ये फिर दोबारा वाटरी, फिर क्रीमी, फिर स्टिकी हो जाता है, फिर आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो आप ऐसे भी जान सकते हो सर्वाइकल म्यूकस से कि आपको ओवल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, फिर दूसरा है पोजीशन सर्विक्स की, मतलब कि जो गर्भाशय का मुंह है, बच्चेदानी का मुंह है, उसकी आप पोजीशन को देखकर भी आप पता लगा सकते हो कि आपको ओवल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब उसमें क्या करना है कि जब आप फिंगर इंसर्ट करोगे वजाइनली तो आप पाओगे कि जो आपका सर्विक्स था ना वो गहराई में है और आगे आपको डीप महसूस होगा जब आपको ओवल्यूशन होगा। और नॉर्मल डेज में ये आपको इजली बाहर की साइड ही मिल जाएगा, ज़्यादा अंदर आपको फिंगर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है कि जब आपको ओवल्यूशन होगा ना तो आप पाएंगे कि जो बच्चेदानी का मुंह है, जो सर्विक्स है, ठीक है, वो आपको सॉफ्ट मिलेगी, वेट मिलेगी और उसका जो मुंह है वो भी आपको ओपन मिलेगा। ठीक है, आप जब टच करोगे ना सर्विक्स को तो आपको आपके वेट लिप जैसी ही फीलिंग आएगी। ठीक है, और ये शो करता है कि ये आपका फर्टाइल विंडो है। यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे प्रेग्नेंट होने के। ठीक है, और अगर ये आपका फर्टाइल विंडो नहीं होगा तो आपको सर्विक्स थोड़ा हार्ड लगेगा, ड्राइनेस लगेगी। हार्ड कैसा लगेगा, आप मान के चलें कि ये जो आपकी नोज टिप है ये इसकी तरह ही आपको हार्ड महसूस होगा, बंद पड़ा होगा सर्विक्स का मुंह और साथ ही वहाँ पर ड्राइनेस महसूस होगी। ठीक है, तो ऐसे आप जान सकते हो। और हाँ, जो सर्विक्स की पोजीशन थी वो भी आपको थोड़ी सी बाहर की साइड ही मिलेगी, इतनी डीप महसूस नहीं होगी। और जैसे जैसे आप अपना डेली चेक करोगे ना, जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा और आप जान जाओगे कि ओवल्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए जब आपका ओवल्यूशन होना होता है तो उस टाइम आपको हल्की क्रैम्पिंग महसूस होती है, क्योंकि देखिए जो अंडा है वो अंडेदानी से रिलीज होता है। ठीक है, जो अंडेदानी के अंदर फोलिकल्स होते हैं वो रैप्चर्ड होते हैं और रैप्चर होने पर आपको हल्की क्रैम्पिंग महसूस हो सकती है। हल्की क्रैम्पिंग के साथ कई बारी आपको लाइट ब्लीडिंग, लाइट स्पॉट देखने को मिल सकता है, जो कि ओवल्यूशन का ही एक साइन है। ठीक
ठीक है, पीरियड्स के बीच में हल्की क्रैम्पिंग और ब्लीडिंग होती है। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि पीरियड साइकिल अगर 30 का है तो उसको 14 से माइनस कीजिए, तो 16वें दिन के अराउंड अगर आपको हल्की क्रैम्पिंग दिख रही है और लाइट स्पॉट है तो आप 100% कंफर्म हो जाएंगे कि आपको ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ओवुलेशन के टाइम आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि पेट आपका फूला फूला सा लग सकता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम एक हार्मोन्स होते हैं उनका सर्ज आता है। सर्ज का मतलब है कि उनका जो लेवल है एकदम से बढ़ता है फिर डाउन होता है, और ये जो हार्मोन्स हैं ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम से हैं, ठीक है। जब प्रोजेस्टेरोन की ब्लड में बहुतायत होती है तब जो आपके बॉडी में इंटेस्टाइन हैं जो आते हैं जो खाना पचाती हैं उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, जिससे खाना ज़्यादा टाइम तक आंतों में रहता है, फिर वो कोज करता है गैस को, जिससे आपको ब्लोटिंग महसूस होती है, ठीक है। अब यही जो प्रोजेस्टेरोन है जब इसका लेवल बढ़ता है तो ये एक थर्मोजेनिक हार्मोन है, जिससे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, और इसे आप इजीली चेक कर सकते हो अर्ली मॉर्निंग से। और यहीं पर निकल के आता है BBT टेस्ट, मतलब कि बेसल बॉडी टेम्परेचर टेस्ट, और ये भी शो करता है कि आपको ओवुलेशन हुआ है। लेकिन इसके टेस्ट के साथ एक खराबी ये है कि ये नहीं शो करता है कि आपको ओवुलेशन कब होना है। ये जब ओवुलेशन हो जाता है तो उसके बाद आपका BBT बढ़ता है, मतलब कि बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। अब इसे टेस्ट कब करना होता है, तो सबसे आइडियल टाइम पीरियड होता है अर्ली मॉर्निंग में, जब आप सुबह उठते हो तो बिना ब्रश किए बिना कुछ खाए पिए आपने डायरेक्ट जो थर्मामीटर है आपके बेड साइड पर पड़ा होना चाहिए, फिर आप उसे चेक कीजिए। अगर आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपको 0.5 फ़ारेनहाइट से 1 फ़ारेनहाइट तक बढ़ा हुआ महसूस होता है या आपको शो होता है, तो आप कन्फर्म हो जाएंगे कि आपको ओवुलेशन हुआ है, और उस टाइम पीरियड पर आप रिलेशन बनाएंगे तो प्रेगनेंसी होगी। अदरवाइज़ अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो इस टाइम पर कोई रिलेशन ना बनाएं और आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। अब अगला है हार्मोन्स के सर्ज के कारण आपका मूड स्विंग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा जो साइन और सिम्टम है हार्मोन्स के सर्ज के कारण वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस। आपको ब्रेस्ट आपकी जब आप उसको टच करोगे ब्रेस्ट को तो वहाँ पर आपको दर्द महसूस होगा, ठीक है। ब्रेस्ट थोड़ी हार्ड टाइप की दिखेगी, ये भी हार्मोन्स के कारण ही होता है, ठीक है। कई लोगों को हेडेक होता है और बैकएक भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ बॉडी आपको साइन देती है जिसे आप इजीली जान सकते हो कि इस दिन आपको ओवुलेशन होना है। तो यहाँ पर हमने जाना कि बॉडी आपको कौन कौन से साइन देती है, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको डॉक्टर एकदम से कैसे बता देते हैं कि इस दिन ओवुलेशन होना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो मेथड हैं ये बहुत ही रिलायबल हैं, और आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी आपके बॉडी के हिसाब से, ठीक है। और जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को जानने लग जाओगे वैसे वैसे आप एक्सपर्ट हो जाओगे अपने ओवुलेशन डे को जानने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर गाइज इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके साथ आप ये जानकारी को बांटना चाहते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपका मुझे कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।